बनेगांव इलाके में मुस्लिम कब्रिस्तान अराजी के लिए जगह का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। वाजह हो के धनेगांव इलाके में 6000 से 7000 की मुस्लिम आबादी रिहाइश पजीर है। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के सबब तदफीन के लिए अराजी का मसला धनेगांव इलाके में संगीन सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। इसी सिलसिले में धनेगांव इलाके ग्राम पंचायत जिला परिषद समेत दीगर कई अफराद ने कई तरह के एहतजाज मेमोरेंडम जिला कलेक्टर को रवाना किए। वाजह हो के धनेगांव ग्राम पंचायत की जानिब से एक करारदाद भी मंजूर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो जमीन वक्फ बोर्ड की है उसे इंतजामिया की जानिब से मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए दी जाए। इसी सिलसिले में आज धनेगांव इलाके के मुकामी बाशिंदे, ग्राम पंचायत मेंबर, जिला परिषद मेंबर व दीगर जिम्मेदारान ने डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात की और धनेगांव इलाके में मुस्लिम कब्रिस्तान व तदफीन के लिए तमाम मसाइल से वाकिफ करवाया। मुख्य नेते नांदेड़ से पालक मंत्री अशोकराव जी चव्हाण साहब यांच्याकडे जिल्हा अधिकाऱ्याकडे SDM तहसीलदार आणि वक्फ बोर्डाकडे धनेगावची जागा आमचे दक्षिणचे आमदार मोहनअण्णा हंबर्डे धनेगावची जे जागा वक्फबोर्डाचीच आहे, वक्फबोर्डाचीच जागा ते सिद्ध झाली आणि त्या वक्फबोर्डाच्या जागेवर मुस्लिम समाज जास्त असल्यामुळं तिथं होणारा जे कोणी मयत असेल तर तिथं मौत करण्याकरता दफनभूमी म्हणून आमच्या ग्रामपंचायतीचा ठरावसुद्धा झाला आणि पुढील आता कारवाई करता आम्हाला ऐरोळी सहकारी पालकमंत्री असतील, जिल्हा अधिकारी असतील, तहसीलदार असतील, या सर्वांनी आम्हाला NOC दिली आणि आमच्या जे कोणी आता गावात मयत होईल मुस्लिम समाजाची तर त्या जागेवर आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये तिथं मोता करण्याकरता आम्ही गाव सज्ज राहूत। अन्यथा आम्हाला वक्फबोर्डाने NOC देईल, वक्फबोर्ड किंवा देईल नाही देईल तरी आम्ही गाव लेवलला गाव सर्व एका जुटीने राहून आम्ही तिथं आमच्या गावची जागा देवाया त्या पिरसाबाची जागा आहे ती नेकर 7 गुंठे त्या जागेवर आम्ही कब्रस्तान म्हणून याच्यापुढे आम्ही 100% जिल्हाधिकारी असतील, SDM असतील, तहसीलदार असतील, पालकमंत्री असतील, दक्षिणचे आमदार असतील हे सुद्धा आम्हाला सहकार्य करतील करालेत आणि याच्यापुढे जे कोणी मुस्लिम समाजाचा मयत करोनाचा असेल कोणी असेल अंत्यविधी करण्याकरता आमची बिल्कुल धनेगाव वाल्याची अडचण नाही। हमारे धनेगाव ग्राम पंचायत की तरफ से ग्राम सभा में एक ठराव पारित करे थे 2015 में कि वो शासन वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे सर्वे नंबर 10 के अंदर कि वो ग्राम पंचायत ने ठराव में पास करी कि वे कब्रिस्तान के लिए मुस्लिम समाज को दी जाए। उसके बाद हमने यहाँ कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिए, कलेक्टर साहब ने फिर एक लेटर निकाले तहसीलदार साहब को कि वे जगह का क्या है उसका सर्वे करके हमारे को रिपोर्ट हासिल करो। उसके अंदर तहसीलदार ने रिपोर्ट में दिए कि वे जगह योग्य है, वो जगह पर किसी का ताबा नहीं है। फिर इन्होंने कलेक्टर साहब ने वक्फ बोर्ड को मांगनी करे कि वे जगह देने के लिए योग्य है, आगे का कार्रवाई आपने करना बोल के। तो उसके बाद हम कल पालक मंत्री साहब को मिले, दक्षिण के आमदार को मिले कि वे उनका सबका बोलना है कि वे जगह कब्रिस्तान को दी जाए, क्यों तो मुस्लिम समाज ज़्यादा आबादी होने की वजह से कब्रिस्तान को जगह नहीं है और वो जगह नहीं मिली तो दूसरी जगह कहीं भी कोई खाली जगह नहीं है और उसके अंदर कोई राजकीय कुछ पुढ़ाकार्या आके उसके अंदर डिस्प्यूट मैटर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप पालक मंत्री से कल हम मिले, उन्होंने साहब ने आश्वासन दिए कि वे जल्द से जल्द काम हो जाएगा। अब ये बोल के हम आपको कलेक्टर साहब से अभी RDC साहब से मिले, हम उन्होंने भी हमारे को समाधानकारक उत्तर दिए, इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा काम, ऐसा हमसे उम्मीद है। इसके बाद अगर हमारे को जगह नहीं मिली तो हम धरने आंदोलन करने के लिए और तैयार हैं।